हेलो है, है, हाँ जी आलोक जी से मेरी बात हो रही है हो रही है आलोक जी मतलब बहुत बड़े वाले फैन है <laughs> बहुत बड़े वाले फैन कसम से आज आपसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है बिल्कुल मतलब समझ लीजिए क्या बताएं खुशी ठिकाना <laughs> <ना> नहीं <laughs> शर्मिंदा करेंगे क्या नहीं शर्मिंदा वाली कोई बात नहीं आलोक जी बहुत बड़े बड़ा अच्छा लगा कि आप शायरी पढ़ते हैं और आपको शायरी की समझ है और शायरी की वजह से आप मुझे फोन किए हैं हैं वैसे बहुत फोन आते रहते हैं दिन भर में लेकिन कोई पढ़ने वाला कोई चाहने वाला मिलता है तो अलग खुशी होती है अलग खुशी होती है आपकी खुशी वही हमारा मतलब खुशी है और मैं आपको नहीं आप हम ये कहना चाह रहे हैं दो लाइने सुना दे इस नाचीज को मैं वैसे फुंटी बोल रहा हूँ देखिये वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं अपना फेवरेट सुना सकता हूँ जो इधर मैंने लिखा सकते जी जी क्या बोलते हैं उसको जी जी ये जी। था कि यूं ही नहीं हम इतराने लगे हैं यूं ही नहीं हम इतराने लगे हैं जी उनके आने के दिन अब आने लगे अरे यही वाला बिल्कुल यही वाला जब आपने लिखा था तो हम अपने दोस्त को बड़े चौराहे पर जो है फेसबुक आपके अकाउंट से जो है पढ़ के सुना रहे थे क्या बात है क्या बात है असल में कलाकार की असली जो उपलब्धि है वही है जो अपने कला के माध्यम से जाना जाता है लेकिन उसके बाद जो हुआ वो क्या हुआ फिर पीछे हमारे साण खड़ा था तो शायरी से का क्या लेना देना है हमको शायरी खत्म करते ही उसने हिस्सा उठा वहीं पटक दिया एकदम कस के औ, और सुनिए एक बार नहीं पटका दोबारा फिर उठाईस और फिर पटक दीस अरे भाई साहब तो आप गलत जगह खड़े होंगे शायरी से क्या लेना देना है इसका तो शायरी सुनने के बाद ही उसने पटका ना भाई साहब मतलब नहीं उससे बर्दाश्त हुई पागल आदमी हो गया यार भाई साहब वो पागल हो गया उस दिन के बाद से उसके कानून सारी पड़ी जिसको देखता उठा आज से फोन मत कर देना फैन हो या कुछ भी हो नहीं सुन अब हो सकता है किसी और वजह से भाई हमारी कोई गलती रही हो जिसकी वजह से उसने उठ पटक नहीं अब आप, आप समझते हैं शायरी और ये सब तो कितनी गहरी चीजें है नहीं हम समझ रहे उसने भी उनको बहुत गहराई तक पटका लेकिन लिए खैर हमारी गलती होगी हमारी मेहनत हम आपको सुना रहे हैं और आप यहाँ पे जा रहे हैं ये ये, ये देखिए ये आपके मुँह से ऐसे शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता आपसे एक गुजारिश है आप कहेंगे तो हम कभी फोन नहीं करेंगे हम बहुत बड़े फैन है फैन से गलती हो जाती है बस हम आपसे गुजारिश करेंगे आप हम मजे नहीं तोबा तोबा कैसी बात कर दी आपने मजे नहीं बस आप दो अगर आप अपने मुंह से सुना चलिए जी एक और लिखा था मैं अच्छा इतना कुछ हो रहा है इस दुनिया में जी एक तुम भी मेरे हो जाते तो क्या हो जाता यही वाली सुनाई थी रुखसाना को रुखसाना आपकी मोहब्बत बिल्कुल सही समझा आपने लेकिन सिर्फ शायरी सुनाने से पहले था। अरे फिर? उस, उसको पुरानी बलगम थी बहुत टाइम से उसको शिकायत थी पुरानी बलगम की शायरी सुनाते ही भाई साहब उसने अपनी बलगम ऐसे करके खींची और मेरे मुंह पर पूरी पूरी थूक दी इसे शायरी डालेंगे रुखसाना और सबकी

फोन पे कौन ये थोड़ा लिखना कम करिए फेसबुक पे आपको दोस्त जो है आपके उसी ने आपके नंबर दिया अभी बताओ अनफ्रेंड करते हैं आपको कौन है आप फेसबुक पे किस नाम से हैं हम पूरब के नाम से हैं लेकिन आपके साथ शायद फेसबुक पे नहीं होंगे पूरब कौन पूरब रेड एफ से पूरब बोल रहा हूँ भाई बैंड यार इसका तो बज गया बैंड आप किसका बैंड बजवाना चाहते हो बताने के लिए आर जे पूरब के फेसबुक पेज पर मैसेज करो सुपरहिट्स 93.5 थ्री पॉइंट फाइव बजाते रहो